नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ कि कैसे आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस आखिर किस कैटेगरी में आता है, यानी उसका यानी सेंटेंस का वो कौन सा टाइप है और हम लोग किस तरह से सेंटेंस को यानी वाक्य को जो है बांटते हैं इंग्लिश में। देखिए, जिनको नहीं बोलने आता वो भी सीखेंगे, क्योंकि ये पूरा क्लास जो चल रहा है आप देख रहे हैं कि हाथ से लिख कर मैं बता रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सभी से यही निवेदन है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वीडियोस को शुरू से देखें, बहुत ही बेनिफिट्स होने वाला है। आप इधर उधर क्लास करके भी कुछ नहीं सीख पाएंगे जितना यहाँ से आप सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक सभी लोग करिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो दोस्तों ज़्यादा कि मैंने बोला था सेंटेंस के बारे में, तो देखिए सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस, तो पहले यहाँ टॉपिक लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेकिन शायद कहीं ब्लू पेन मेरा मिस है, तो चलिए ब्लैक पेन से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो सेंटेंस जो है, अब सेंटेंस को पहले लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए, जिनको लिखने नहीं आता है उनको समझना होगा कि सेंटेंस किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, ई एन सी है, इसको एंस पढ़ते हैं, और ये सेन हो गया सेंटेंस, सेंटेंस और एस लग गया सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस मीन्स वाक्य, बहुत सारे वाक्य। और देखिए, विभिन्न सेंटेंसेस का अनुवाद कैसे हम लोग करेंगे, तरह तरह के सेंटेंस का अनुवाद कैसे करें, कैसे पकड़ेंगे आखिर वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है। देखिए, पहले एक बात समझिए कि इसी सेंटेंस को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, वाक्य, ठीक है, वाक्य कहते हैं। एक बात याद रखेंगे क्योंकि ये सभी लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, कई शब्दों को मिलाकर एक वाक्य होता है, ये बात एक बात और याद रखिए कि कई शब्दों को मिलाकर, ठीक है, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, कई शब्दों को मिलाकर मिलाकर जी हाँ दोस्तों मिलाकर एक वाक्य होता है। एक क्या होता है, एक वाक्य होता है, वाक्य होता है, इस बात को भी याद रखना है। जैसे इंग्लिश में ये तो हो गया, दूसरा देखिए कि कई, जैसे कि कई वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस होता है, इंग्लिश में इसे ऐसे कह सकते हैं कि कई सेंटेंस को मिलाकर एक जो होता है सेंटेंस होता है, कई वर्ड्स को मिलाकर, ठीक है। लेकिन शब्दों के सभी समूह को हम वाक्य नहीं कहते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए, ये बहुत ही कम लोग, रेयर ही लोग जानते होंगे, बहुत ही रेयर लोग जानते होंगे, ठीक है, कि शब्दों के, जी हाँ दोस्तों, मैं लिख कर ही बता दे रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें, शब्दों के सभी समूह को, यानी कि सभी समूह को, जैसे अभी तो मैंने बोला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, शब्दों का समूह, ये सब वाक्य, शब्दों के सभी समूह को हम जो है वाक्य नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब कहेंगे कि भाई तक वो कैसे, अब जैसे अब देखिए एग्जांपल भी यहाँ मैं दे रहा हूँ जैसे, ताकि आपको समझ में आए कि इंग्लिश अंग्रेजी वर्ड्स में क्या होगा। जैसे एक नंबर में ले लेते हैं मैं पर, जैसे नहीं मैं पर नहीं, जैसे मैं घर, मैं यहाँ मैं लिख दिया और घर लिख दिया, ठीक है, मैं घर मैं लिखा। नंबर दो में एक और ले लीजिए, वह डर। तीसरा अगर बात करते हैं, ये ले लेते हैं राम पढ़। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सब समूह तो है लेकिन ये वाक्य नहीं है, ठीक है, वाक्य नहीं है, ऊपर के शब्द समूह वाक्य नहीं है, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए वाक्यों, यहाँ देखिए मैं लिख कर आपको बताने रहा हूँ आजकल, ठीक है, वाक्य उन
वाक्य उन शब्दों के समूह को कहते हैं, ठीक है, जिनसे पूरा पूरा अर्थ निकले, ठीक है। अब बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा। निकले यानी कि जैसे मैं, घर, वह, डर, रामपढ़, ये सब शब्द समूह तो है लेकिन ये वाक्य नहीं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य उन शब्दों के समूह को कहते हैं जिनसे मतलब कि पूरा पूरा भाई अर्थ निकले, उनको कहते हैं वाक्य, ठीक है। दूसरे शब्दों में सार्थक समूह, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। बात समझ गए ना? दूसरे शब्दों में क्या है, कुछ बातें आपको समझना होगा, कुछ बातें मैं लिखूंगा आपके लिए कि दूसरे शब्दों में सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस की अंग्रेजी में परिभाषा मतलब है क्या है, इसको भी समझिए कि सेंटेंस के अंग्रेजी में क्या परिभाषा है। अगर आप से कोई पूछ दे कि भाई सेंटेंस का क्या है डिफिनेशन, तो आपको जानना होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर सेंटेंस, आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेंटेंस, और इसे डैश देकर कर रहा हूँ, तो इस तरह से ये हो जाएगा ए ए सेंटेंस इज ए कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स क्या होगा, ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense, which give a complete sense, ठीक है। ये सेंटेंस का जो है डेफिनेशन है, आप भी देखिए अच्छे तरह से इसे नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पता भी तो होना चाहिए ना वो सेंटेंस क्या है, किसे कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे राम, देखिए जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप यहाँ देखिए राम गोज यह सेंटेंस नहीं है, ठीक है। राम गोज जो है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ राम गोज क्या सेंटेंस है या नहीं है, तो यह जो है यह सेंटेंसेस के अंतर्गत नहीं आता है, सेंटेंस नहीं है। आप लोग कहेंगे तो है क्या ये भाई, राम गोज राम जाता है, सेंटेंस तो है ही, इजी में कहेंगे, क्योंकि इससे पूरा पूरा अर्थ जो है नहीं निकलता है, नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे पूरा अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा नहीं निकलता है। तो सेंटेंस किसे कहेंगे, आप ये कहेंगे भाई तो सेंटेंस किसे कहेंगे, जब राम घोष सेंटेंस नहीं है तो सेंटेंस है क्या, राम घोष क्या रखेंगे। अब देखिए सेंटेंस क्या है, अगर ऐसे हम लिखते हैं कि राम गोज टू दिल्ली,
अगर ऐसे लिखते हैं राम गोस टू दिल्ली, तब ये सेंटेंस होता कंप्लीट सेंटेंस, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, हम सेंटेंस कहेंगे, और इससे इससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है, इससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है। ठीक है, आप समझे ना कि भाई राम गो सेंटेंस क्यों नहीं था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपको मैं और बताऊं, बहुत अच्छा से और बहुत ही सरल तरीका से मैं बताने जा रहा हूं, तो सभी लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार देख लेंगे समझ लेंगे तो आपको खुद ब खुद लगेगा कि भाई वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वो एक वाकई भी क्लियर बात है। ठीक है, तो चलिए एडजस्ट भी कर लेते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद जो है ये रहा, चूँकि आजकल तो गर्मी भी बड़ी बड़ी हुई है आपको पता है। और देखिए सेंटेंस सेंटेंस जो है सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। ठीक है, वाक्य वाक्य अंग्रेजी में छह तरह के होते हैं। वाक्य अंग्रेजी में छह तरह के होते हैं, छह यानी कि सिक्स है ना, सिक्स छह प्रकार के होते हैं, लिख सकते हैं हम लोग छह प्रकार के होते हैं। अब जैसे ये वो छह प्रकार कौन कौन सा, इसको भी जानना जरूरी है ना। जैसे कि पहला पहला कौन सा प्रकार है, ठीक है, पहला प्रकार है अफर्मेटिव, ए डबल एफ आई आर एम ए टी आई वी ई, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया। इसे हिंदी में विधिवाचक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। आप याद रखिएगा, विधिवाचक या स्वीकारात्मक, ठीक है, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, वाक्य है। ठीक है, ये एक हो गया। नंबर टू हो गया नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिसे निषेधात्मक निषेधवाचक भी कहेंगे। ठीक है, निषेधवाचक भी कहेंगे और नकारात्मक नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक वाक्य कहेंगे, हो गया। अब देखिए थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ये हो गया। चौथा की बात करते हैं, चौथा है देखिए मैं तो अलग तरह से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह से मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की मैं बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हट कर बताया जा रहा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य, इसे बोलते हैं
आज्ञा, और इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। चार तरह ये हो गया, तीन और अलग अलग है उसको मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा एक लाइन दे करके, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड हो जा रहा है। तो चलिए यहीं से लिखते हैं ना, कंजेस्टेड हो तब भी। पांच नंबर में ऑप्टेटिव वाक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप हो गया, ऑफ हो गया, टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छावाचक वाक्य, इच्छा वाचक वाक्य। ठीक है, नंबर सिक्स की बात करते हैं। नंबर सिक्स में है एक्सक्लामेटरी। जी हाँ दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो याद रखिए कि एक्स क्ला एक्स ई एक्स सी एल सी एल, ठीक है, सी एल ए डी की तरह नहीं दिख रहा है, और दिख रहा होगा तो भी क्षमा करेंगे, सट गया है। एक्सला मैट्री मैट्री एक्सला मैट्री सेंटेंस। बहुत ही पसीना जो है, स्वेटिंग जो है होता है गर्मियों के दिन में, तो सावधानी बरतना है, पानी लेते रहना है, इसका भी ध्यान देना है सभी लोगों को। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं विस्मयादि बोधक। यहाँ पर मैं लिख दे नीचे भी लिखूंगा, विस्मयादि विस्मयादि बोधक। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बोधक वाक्य, वाक्य। अब दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरह से जो है छह प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसे बगल में हिंदी भी है, स्वीकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आज्ञा सूचक, इच्छावाचक और विस्मयादि अवबोधक। लेकिन ये सब आप एक बार जानने के लिए तो बहुत जरूरी था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको सेंटेंस में कैसे जो है डील करना है उसको जानिए। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसी वीडियो को नेक्स्ट डे जरूर देखिए, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि सेंटेंस के मतलब किस टाइप्स को कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों धन्यवाद। नीचे एक लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जी हाँ, बहुत शेयर कीजिए, जरूरी है सभी लोगों को इंग्लिश सीख जाने का। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग।